हिमाचल प्रदेश में पिछले दो दिन से हो रही तेज बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त करके रख दिया है। बारिश की वजह से व्यास समेत छोटी नदियां उफान पर हैं। हम आपको बता दें, राज्य के 10 से 12 जिलों में दो दिन से जबरदस्त बारिश हो रही है। इसकी वजह से कई जगह बाढ़ आ गई है, लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं। आज भी भारी बारिश की आशंका के चलते राज्य के सभी जिलों में स्कूल बंद है। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने सभी ट्रैकिंग साइट्स को अगले आदेश तक बंद रखने को कहा है। कुल्लू में कल बादल फटने के बाद डोबी के पास फंसे 19 सैलानियों को वायुसेना के चॉपर के जरिए निकाल लिया गया है। दो दिन की भारी बारिश के बाद हिमाचल में सर्दी बढ़ गई है। लाहौल स्पीति और रोहतांग दर्रे के पास इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। ट्रैकिंग साइट्स अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं। दो दिन की बारिश ने एक तरह से कहर बरपा दिया है हिमाचल प्रदेश में, जहां टूरिस्ट स्पॉट्स में भी जो टूरिस्ट का आवागमन है उसको अब देखा जा रहा है। और हम आपको बता दें, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ऐसी तस्वीर जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब तक आपने कार, बाइक, स्कूटर या इंसानों और जानवरों को पानी में बहता देखा होगा, लेकिन ध्यान से इस बस को देखिए। बस स्टैंड पर खड़ी ये बस है, लेकिन थोड़ी देर बाद इस बस को आप पानी में बहते हुए देखेंगे। ये तस्वीरें मनाली के पास बस स्टैंड की हैं। देखिए कैसे ये जो बस है, ये व्यास नदी के तेज उफान की चपेट में आने वाली है। देखते रहिए इस बस को। ये बस स्टैंड है और आप सुन भी पा रहे हैं, आसपास जो लोग मौजूद हैं, हैरत अंगेज ये नजारा उनके लिए देखते हुए कि पानी का तेज बहाव कब। ये देखिए, उल्टी होकर के पूरी की पूरी बस पानी में समा जाती। वॉल्वो बस है और ये पूरी बस पानी के जबरदस्त वेग के आगे एक तिनके की तरह, एक पत्ते की तरह बहती हुई निकल गई। हिमाचल के मनाली से 23 सितंबर की ये तस्वीरें हैं। देखिए, हजारों किलो की ये बस पानी में कैसे तिनके की तरह बहती हुई दूर निकल रही। अब गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये बस नदी के उफान की चपेट में आई, उस वक्त इस बस में कोई यात्री नहीं था। तो आप समझ सकते हैं बारिश का वेग कितना है। बस स्टैंड पर खड़ी ये बस और पानी का वेग इतना ज़्यादा कि जब पानी के थपेड़े, पानी की मार पड़ी है इस बस पर, तो वॉल्वो बस पूरी की पूरी एक तिनके की तरह, एक पत्ते की तरह चंद सेकंड बाद आप पानी में बहते हुए देखेंगे। पानी की लहरें इस बस को अपने भीतर समाती हुई दूर तक ले जाती हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हिमाचल में दो दिन की बारिश ने किस तरह का कहर बरपाया है, वहाँ के हालात कैसे हैं। जानवरों को, पेड़ पौधों को, इंसानों को हमने पानी के तेज वेग में बहते देखा है, लेकिन ये तस्वीर अपने आप में अलग है, बिल्कुल हैरान करती है, रोंगटे भी खड़े करती है। हिमाचल के मनाली की ये तस्वीरें, बस स्टैंड पर खड़ी एक वॉल्वो बस और देखते जाइए आप चंद मिनट बाद, ये देखिए ये बस पूरी उल्टी होकर के पानी के भीतर समा गई। और इसको देख के नहीं लग रहा है कि ये वॉल्वो बस रही होगी, बिल्कुल तिनके की तरह बिना किसी नियंत्रण के पानी के तेज वेग में बहती हुई। अंदाजा लगाइए कि पानी का बहाव, पानी की गति कितनी ज्यादा है। प्रचंड पानी जिसके बहाव में एक वॉल्वो बस समा गई। और ये देखिए, व्यास नदी के वेग में आप देख रहे हैं ये जो बस है, ये बहती हुई कितनी दूर तक निकल रही है। बहुत ही हैरान करने वाला ये दृश्य है, आश्चर्य होता है, उत्सुकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन इसके साथ ही डर भी अपने भीतर समा जाता है। गनीमत यह, हम आपको बता दें, इस बस के अंदर कोई यात्री सवार नहीं था। तो ये जो खाली वॉल्वो बस है, पानी के वेग के आगे पूरी तरह से बेबस। और देखिए, अब आप देखेंगे तो आपको बस कहीं नज़र भी नहीं आएगी। पानी अपने वेग के साथ एक पूरी बस, एक वॉल्वो बस को बहा कर ले, हैरत अंगेज कर देने वाली ये तस्वीरें, रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें। और राहत की बात यह है कि जब ये सब कुछ हुआ इस बस के साथ, इस बस के भीतर कोई यात्री सवार नहीं था। व्यास नदी का वेग देखिए, हिमाचल प्रदेश में सिर्फ दो दिन की बारिश ने ये हाल कर दिया है कि एक वॉल्वो बस भी अपना नियंत्रण पूरी तरह से खोते हुए व्यास नदी के तेज बहाव में देखिए बहती हुई बस बढ़ती जा रही है आगे। और कुछ वक्त बाद ये बस पूरी तरह से पानी की लहरों में समा जाती है। और अब आप देखेंगे दो तीन सेकंड बाद ये पूरी तरह से पानी के भीतर चली गई है, अब आपको ये बस तक नज़र नहीं आएगी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बारिश का प्रकोप और पानी का बहाव कितना प्रचंड है हिमाचल में। मनाली की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये व्यास नदी का वेग जो अपने भीतर वॉल्वो बस को बहा कर ले गए। मैं बोल रहा था यार जाएगी, इन लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। वहाँ मौजूद स्थानीय लोगों ने ये वीडियो बनाया और जैसा कि आप बैकग्राउंड जो आवाज़ें हैं उनमें भी सुन सकते हैं,
लोग कहते हुए कि नई गाड़ी है, और किस तरह से पानी का भयानक रूप, ये प्रचंड रूप, इसके आगे बस का कोई जोर नहीं चला। वॉल्वो बस खाली स्टैंड पर खड़ी थी, बस स्टैंड पर, और पानी के तेज बहाव समाकर दूर जाती हुई बिल्कुल एक पिनके की तरह, एक पत्ते की तरह। यही वजह है, इन्हीं खतरनाक स्थितियों को देखते हुए सरकार अब जो भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहां पर खास नजर बनाए हुए हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि आज सुबह मनाली के पास अचानक आई बाढ़ ने कैसे तबाही मचाई। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया है, तस्वीरें देखिए, होटल भी पानी की चपेट में आ गए। ये मनाली की तस्वीरें ही आप देख रहे हैं, सुबह की तस्वीरें हैं, और देखिए पानी का वेग कितना ज़्यादा है, लोगों के घरों में ये पानी घुसा है, होटल्स इसकी चपेट में आ गए हैं। मनाली जो कि एक टूरिस्ट स्पॉट माना जाता है, टूरिस्ट क्या वहाँ पर जो भी स्थानीय लोग रहते हैं उनके लिए भी दो दिन की बारिश जो है वो अपने साथ मुसीबत लेकर आई है। हर तरफ पानी ही पानी, और पानी के वेग को ज़रा देखिए, इसी वेग से पानी लोगों के घरों के भीतर दाखिल हो रहा है, आंगन में भर गया है, जो नालियां हैं वो ओवरफ्लो कर रही हैं, और होटल भी पानी की चपेट में आ गए हैं। ये सितंबर वाली बारिश का सितम है। कुल्लू में पिछले दो दिन से हो रही बारिश ने भारी तबाही मचाई है। कल अचानक बादल फटने के बाद कुल्लू में आए सैलाब से लोगों के घरों और दुकानों में पानी भर गया। ये एरियल शॉट्स आप देख रहे हैं कुल्लू के। बादल फटने के बाद डोबी नदी में अचानक आई बाढ़ में 19 सैलानी फंस गए थे, जिन्हें वायुसेना के हेलीकॉप्टर के जरिए किस तरह से सुरक्षित बाहर निकाला गया उसकी तस्वीरें आपके सामने। कुल्लू और मनाली की सड़कों पर अब भी पानी भरा हुआ है, और ऊपर से लिए गए इन तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, टॉप शॉट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पानी कुल्लू में बारिश के चलते इकट्ठा हुआ है। हर तरफ पानी ही पानी, बादल फटने से सैलाब आया। कुल्लू की ये तस्वीरें, और जो फंसे हुए सैलानी हैं उनको भी चॉपर के माध्यम से निकाला गया है। देखिए लोगों की गाड़ियां जहां तहां फंसी हुई, ट्रक पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं, और ये देखिए पानी का वेग आप देखिए, एक ट्रक फिर से, अभी हमने वॉल्वो बस देखी थी और अब एक ट्रक का हाल आप देख रहे हैं, कितना भारी होता है ट्रक, लेकिन पानी के बहाव के आगे देखिए किस तरह से एक तिनके की तरह, एक पत्ते की तरह हिचकोले खाता हुआ नजर आ रहा है। और पानी का वेग आप देख सकते हैं, ये लहरें, गति पानी की, और जो भी इस पानी के तेज बहाव के रास्ते में आ रहा है, चाहे वो गाड़ियां हों, चाहे पशु, चाहे लोग, या फिर पेड़ पौधे, सब इस बहाव में बहते हैं। हिमाचल के कुल्लू की तस्वीर आपके सामने। कुल्लू में बाढ़ और बारिश से हालात सबसे ज़्यादा ख़राब हैं। कुल्लू में हाईवे के ऊपर तक पानी भरा है, जिससे रास्ता बंद किया गया है। देखिए हमारे संवाददाता अमनदीप की ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। हालांकि मनाली मंडी से कट चुका है, हम इस वक्त मौजूद हैं कुल्लू के उस हाईवे पे जिसको बंद कर दिया गया है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि कैसे बारिश की वजह से ये जो हाईवे है, नेशनल हाईवे है, इसको बंद कर दिया गया है कुछ घंटों के लिए। कल से लगातार ये बंद चल रहा है। यहाँ के अधिकारियों के मुताबिक 2 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए ये हाईवे खोला जाता है, और ये वही मेन हाईवे है कुल्लू से मनाली, मंडी से निकलता हुआ कुल्लू की तरफ आगे मनाली, और यहाँ पे सारा ट्रैफिक जाम हो चुका है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सड़क पे पानी आने की वजह से मिट्टी जम चुकी है, गारा जम चुका है, पत्थर पहुंच चुके हैं सड़क के बीच में, और अभी भी हम आपको और तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि आगे सड़क पर पानी घूम रहा है। बिल्कुल साथ में, इस नेशनल हाईवे के बिल्कुल साथ में ब्यास दरिया चल रहा है, और उसकी पानी की गति से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी भी यहाँ पे हिमाचल में ये कहर नहीं रुका है पानी का। 126 स्टेट हाईवेज और एक नेशनल हाईवे कुल्लू मनाली वाला बंद किया गया है, सड़कें धस चुकी हैं, आप देख सकते हैं ये विजुअल, ये बिल्कुल नेशनल हाईवे की सड़क है जो जहां पे पानी घूम रहा है, कोई भी
कोई भी वाहन यहाँ पे आने की इजाजत नहीं दी जा रही। यहाँ से इस तरफ कुल्लू पड़ता है और यहाँ से 2 किलोमीटर आगे ट्रैफिक रोक दिया गया है, क्योंकि ये सड़क बिल्कुल ब्यास के बराबर है, जो पानी का ओवरफ्लो होते हुए सड़क पे आ चुका है पानी, और सड़क पे पत्थर है जिसकी वजह से ट्रैफिक रोक दिया गया है। ट्रैफिक कल से लगातार रुका हुआ है और हर अधिकारियों के मुताबिक कल दोपहर 2 बजे आधे घंटे के लिए छोड़ा गया था, उसके बाद शाम को 4 बजे, फिर देर शाम 7 बजे ट्रैफिक आधे घंटे के लिए छोड़ा गया था, लेकिन उसके बाद आज सुबह से लगातार ट्रैफिक बंद है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए हम आपको बता दें कि हिमाचल पुलिस ने इंतजाम किए हैं, लोगों को पानी के बहाव वाले खतरनाक इलाकों में जाने से रोका जा रहा है। कुल्लू में हाईवे पर ट्रैफिक कब तक खुलने की उम्मीद है, हमारे संवाददाता अमनदीप ने जानने की कोशिश की। 1 किलोमीटर इधर मंडी की तरफ और ट्रैफिक, बसें, ट्रेड, यानी कि सब कुछ रुका पड़ा है। अधिकारियों से भी बात करेंगे कि आखिरकार क्या माहौल है और कितना वक्त लगेगा इस ट्रैफिक को बंद करने के लिए। ट्रैफिक दोनों तरफ रुका पड़ा है, कुल्लू की तरफ और मंडी की तरफ। कब तक खुलने की है कि कब तक खुल जाएगा ये? खुलने की उम्मीद तो जैसे जैसे पानी थोड़ा डाउन हो जाता है, अभी आप देख रहे हैं रोड में कम से कम 2 से 2.5 फीट पानी अभी भी है, और सिंगल वे रोड तक थोड़ा सा रोड धस भी गया है और रोड में पूरी तरह सिल्ट भरी हुई है। तो जैसे पानी डाउन होता है रोड से, इसका लेवल, पानी का लेवल नीचे हो जाएगा, तो उसके बाद ही कहीं ट्रैफिक खुलने के आसार बन सकते हैं। कितने घंटे से ट्रैफिक जाम है इस वक्त यहाँ पे? तकरीबन अभी कल दिन के वैसे तो 2 बजे से लेकर के तो अभी 17-18 घंटे हो गए हुए हैं। अभी तक जब बाढ़ की स्थिति वैसे ही बनी हुई है, कभी बीच में डाउन हो जाता है पानी, कभी पानी का लेवल फिर ऊपर चढ़ जाता है, तो अभी तक ट्रैफिक खुलने का आसार बिल्कुल भी नहीं है। सो इनके मुताबिक अभी ट्रैफिक खुलने का बिल्कुल भी कोई आसार नहीं है, क्योंकि पानी की जो गति है वो बढ़ रही है, कभी कम होती है, तो ये बिल्कुल भी अधिकारी, हिमाचल प्रदेश की सरकार इसमें चांस नहीं ले सकती, क्योंकि कुल्लू मनाली का ये सबसे मेन हाईवे है, जब से जहाँ से सारी ट्रैफिक और सारा व्यापार निकलता है। आप देख सकते हैं इस तरफ कुल्लू है, यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर पीछे ट्रैफिक रोक दिया गया है, सारी टूरिस्ट बसें, सारे व्यापार की गाड़ियाँ, ट्रकें, सब कुछ यहीं पे पीछे रोक दिया गया है, बिल्कुल भी आगे आने की इजाज़त नहीं है, चेतावनी का बोर्ड लगा दिया गया है। सड़क पे पड़े ये आप पत्थर और लकड़ी देख सकते हैं, इस चीज़ का सबूत है कि किस तरह पानी ओवरफ्लो है। और नीचे मैं एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा इस सड़क पे, ये सड़क कुल्लू मनाली हाईवे का सबसे इम्पॉर्टेंट जंक है, जिसको ब्लॉक कर दिया गया है, जिसकी वजह से सारा ट्रैफिक रुका हुआ है। ये सड़क पर मिट्टी जमी हुई है और पानी का फ्लो आप देख सकते हैं किस तरह से बढ़ता चला जा रहा है। अभी अधिकारियों ने बताया कि पीछे से डैम खोल दिया गया है, जिसकी वजह से पानी और बढ़ने की आशंका है। ये पानी का फ्लो लगातार बढ़ता चला रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक है। आप देख सकते हैं, मैं और तस्वीरें दिखाऊंगा आपको कि कैसे सड़क पर पानी आ रहा है, सड़क के ऊपर पानी ओवरफ्लो हो रहा है, यही एक वजह है। आप देख सकते हैं कि किस तरह ये ट्रैफिक इसी वजह से ब्लॉक किया गया है। ये हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर सड़कों पे नजर आ रहा है, आप शरेआम ये चीज देख सकते हैं, और बिल्कुल इसके ऊपर जो पहाड़ हैं वहां से लैंडस्लाइड होने का खतरा हर समय रहता है, बिल्कुल हमारे ऊपर भी जो पहाड़ हैं। हम आपको बता दें कुल्लू से मंडी जाने वाले हाईवे पर हजारों गाड़ियां फंसी हुई हैं, रास्ते पर भारी जाम लगा हुआ है, तस्वीरें देखिए। हिमाचल की सड़कों पर गाड़ियां रुकी हुई और पानी चलता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं मंडी से कुल्लू के रास्ते पे, जहां पे बड़ा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कैसे सारी गाड़ियां रुकी पड़ी हैं लाइन में, और पता नहीं कितने घंटों से ये यहीं पे ऐसे ही खड़ी हैं, क्योंकि आगे का रास्ता बंद है, जो पानी है वो सड़क पर उतर आ चुका है, जिसकी वजह से दोनों तरफ ट्रैफिक ब्लॉक कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरें, ये ब्यास दरिया की तस्वीरें हैं, जिसमें पानी बहुत तेज रफ्तार से बह रहा है ये बारिश की वजह से, और यही पानी सड़कों पे उतर आया है। ये पानी का कहर हिमाचल प्रदेश में दिखाई दे रहा है। इस तरफ से मंडी से ये सारी गाड़ियां आ रही थी, जिनको रास्ते में रोक दिया गया है, और कई घंटों से ये गाड़ियां ऐसे ही खड़ी हैं। सारा व्यापार, सारा टूरिस्ट, सारा यात्री यहीं पे ठप हो चुका है, आवाजाही ठप हो चुकी है, क्योंकि आगे सड़क पर पानी है। और ये जाम इतना ही नहीं, बल्कि ये बहुत दूर तक, तकरीबन 5-6 किलोमीटर तक का जाम है, जहाँ पे ये सारी सड़क पे एक साइड पे गाड़ियां लगी हुई हैं, और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि दूसरी तरफ जिस तरफ से कुल्लू से भी ट्रैफिक बंद किया हुआ है,
यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर रोड ब्लॉक है और उस रोड पे पानी उतर आया हुआ है। सुरक्षा कर्मियों ने आगे जाने से मना किया है। ये चट्टाने भी सिरक रही है, लैंड स्लाइडिंग हो रही है, इससे भी बचने के लिए चेतावनी दी जा रही है बार बार। यहाँ पे किसी को भी आने की इजाजत नहीं है, बस ये ट्रैफिक यहीं पे रुका हुआ है और काफी घंटों से यहाँ पे बंद है। अभी पता नहीं कि आगे कितने घंटे लगेंगे इस ट्रैफिक को खुलने के लिए। आप देख सकते हैं सारे ट्रक, सारी गाड़ियां, सारी यात्रियों की गाड़ियां, टूरिस्ट की गाड़ियां सभी यहां पे खड़ी हुई हैं। कुछ लैंडस्लाइड के तस्वीरें भी हम आपको दिखा सकते हैं कि कैसे लैंडस्लाइड हो चुकी है और उसकी बाद की तस्वीरें हैं। ये रास्ता कुल्लू की तरफ जाता है, ये नेशनल हाईवे है जिसके ऊपर सारा ट्रेड रुक चुका है, सारी यात्री रुक चुके हैं, सारी आवाजाही ठप हो चुकी है। ये नेशनल हाईवे कुल्लू मनाली को कनेक्ट करता है मंडी से, लेकिन बारिश की वजह से, सड़क के ऊपर पानी उतरने की वजह से ये इस वक्त बंद कर दिया गया है और सुबह से ही बंद है। आगे भी कुछ नहीं पता कि कितना समय ये बंद रहेगा, ये जाम में फंसे हुए हैं लोग। दूसरी तरफ कुल्लू में भी ऐसे ही ट्रैफिक बंद किया गया है। यहाँ से दो से तीन किलोमीटर दूरी पे सड़क पर पानी उतरने की वजह से कुल्लू से आने वाले लोगों को भी वहीं पे रोक दिया गया है जब तक ये ब्यास दरिया का पानी सड़क से क्लियर नहीं होता, सड़क से नहीं हटता, तब तक ये ट्रैफिक नहीं खुलेगा। कल से हर 2 घंटे के बाद सिर्फ 15-20 मिनट का ट्रैफिक खोला जाता है, क्योंकि 15-20 मिनट पानी क्लियर होता है रोड से और इजाजत दी जाती है गाड़ियों को चलने के लिए, क्योंकि रोड पे इतनी चिकनाहट हो चुकी है और ब्यास दरिया रोड के बिल्कुल साथ पहुंच चुका है, पानी इतना भर चुका है बारिश की वजह से। देखने वाली बात होगी कि ये बारिश का कहर हिमाचल प्रदेश तक कब तक रहेगा। आज का दिन आखिरी था, सुबह से ही ट्रैफिक बंद है, सड़कों पे पानी है, सारी आवाजाही ठप हो चुकी है। बारिश का कहर हिमाचल के हर शहर में देखने को मिल रहा है। कुल्लू में बिजली बंद हो चुकी है, लोग बिना बिजली के सर्वाइव कर रहे हैं वहां पे, लेकिन ये बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही। कैमरा पर्सन गिरीश दुर्गापाल के साथ अमनदीप दीक्षित, एबीपी न्यूज मंडी। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।